सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है। पीएसए मीडिया विजन जो है ना, हमारी प्रत्युष सुमित एंज है, प्रत्युष सुमित सर एंज है, हमने ये स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमने पिंगा स्टार्ट किया हुआ था, मराठी मूवी जो एक बड़ी मूवी है, रिंकू राजगुरु और सोनाली कुलकर्णी को लेकर। लॉकडाउन आ गया, जैसा आप सभी को मालूम है। लॉकडाउन आने के बाद फिर हम लोगों के पास लगा चलो ठीक है, उसी समय हम अरुंधति राय पार्ट टू भी बना रहे हैं साउथ के लिए, तो हमने बाद में देखा। भोजपुरी मूवी में हमने आया यहाँ पे जो संस्कारों या चीज़ों का जो भाभी का नाम को लेकर जैसे किया गया है यहाँ पे, जो कि हमारे नॉर्थ में बहुत सम्मान सूचक शब्द है ये, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक भाभी के ऊपर जो है, भाभी माँ के ऊपर ही हम लोग बना रहे हैं, जिसका नाम भाभी माँ है। और इनकी जो मेन एक्ट्रेस है रानी चटर्जी है, सोनालिका प्रसाद है, और मेल लीड रोल में प्रोड्यूसर हैं। तो इस मूवी में जो है ना, दो करेक्टर है, राम और लक्ष्मण, इसमें मेन जो है प्रोड्यूसर कर रहे हैं। जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया जैसर ने कि एज ए राम करने के लिए, एज ए राम और एज ए लक्ष्मण आप दोनों लीड कीजिए। तो पहले तो मुझे लगा कि आप मुझे ऐसे फर्स्ट भोजपुरी में स्टार्ट करना कहाँ तक सही होगा, बोला कि नहीं आप कीजिए, तो आप एक पॉजिटिव वे में लेके आते हैं। पीएसए मीडिया विजन से मैं सुमित, भाभी माँ सब्जेक्ट का जब शुरुआत हो रहा था तो हम लोगों ने काफ़ी मंथन किया सब्जेक्ट को लेके, और जैसा कि इस टाइटल से ही सब कुछ क्लियर है भाभी माँ। और जब ये प्रोजेक्ट हमारा बनना शुरू हुआ तो आपसे डिस्कशन के बाद हम लोगों ने तय किया कि इस राम और लक्ष्मण इन दोनों रोल के लिए हमें प्रोड्यूसर को एग्री किया जाए, बोला जाए। पहले तो इन्होंने मना किया, मुझे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मैंने फिर काफ़ी बोला कि नहीं वो कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हम लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू किया। और ये जो सब्जेक्ट, ये हमारा ये नॉर्थ की बैकग्राउंड से जो होके आते हैं, जो अभी जैसे एक फिल्म आई थी नदिया के पार, तो उसमें जो हम लोगों ने एक अपना एक लगाव देखा था हर एक चीज़ों से, जैसे कि आप अगर आप उस मूवी की बात करते हो तो आपको ना आज भी वो चीज़ जीवंत लगती है और काफ़ी वो संस्कारों से प्रेरित लगती है। तो उन सभी चीज़ों को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश किया गया है। भाभी माँ भी एक पारिवारिक फिल्म है और काफ़ी अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म को लोग अच्छे अच्छे तरीके से एंटरटेन करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। पीयूष जी, क्या बने हैं आप, राम बने हैं लक्ष्मण बने हैं? ये राम और लक्ष्मण दोनों के किरदार में कर रहा हूं। रियल लाइफ में भी आप लोगों की वैसी है क्या? यही वजह है कास्टिंग जो आप लोगों की हुई है? ये तो हमारे डायरेक्टर जय जी की सोच है, उनको जहाँ तक लगा कि हम करते हैं, सुमित जी की सोच थी कि हाँ हम करते हैं, मैंने कहा तो सबका सोचना ये हम करें, क्योंकि आज के समय में भोजपुरी को लेकर ये सिचुएशन थी कि भोजपुरी के माध्यम से कोई फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। अगर हम जस्ट मैंने जैसे कि जो गुड मॉर्निंग EMI की थी परफॉर्म की, और मेरा बैकग्राउंड वैसे हिंदी सिनेमा से रहा है, तो मैंने सोचा था कि मैं हिंदी के माध्यम से आऊँ भोजपुरी के लिए, थोड़ा सा एज ए एक्टर थोड़ा सा लगता है कि अरे भोजपुरी से आते लोग होते हैं भोजपुरी का बंदा है, लेकिन मैं हूँ प्रयाग से, तो जब भाइयों ने कहा नहीं आप करते हैं, जब सब ने रिस्क लिया मैंने कहा फिर ठीक है, जब सभी बोल रहे हैं तो हम भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जब से आज आपका डिजिटल हुआ है, सिनेमे का पहलू पूरा चेंज हो चुका है, घर घर हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, आप अच्छी मूवी बनाते हो आपका नाम होगा, आप आगे जाओ, बस मूवी के कॉन्सेप्ट, आपके किरदार और आपके पीछे जो टीम बैकअप में काम कर रही है, सबसे बड़ा योगदान उनका भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं ही हम कर रहे हैं, हमारी टीम भी है, हमारे जैसे बिजनेस हेड स्मिता पांडे मैम हैं, क्रिएटिव एडवाइज़र मैम रूपा दास जी हैं, इन लोगों का हमारा म्यूज़िक जो है रोहित दुबे कर रहा है, जो भोजपुरी कभी किया ही नहीं वैसे देखा जाए तो, लेकिन बड़ी मेहनत हो रही है, हिंदी के टॉप मोस्ट वेल्स काम कर रहे हैं, जिसमें कोई ऐसा नहीं रखा हमारे गाने, ऐसा नहीं कि हमने भोजपुरी वालों को काम नहीं दिया, भोजपुरी वालों के लेवल के लोगों को काम दिया गया, भाई लगा कि हम भी आ रहे हैं तो भोजपुरी वालों को भी काम दिया जाए, पर लेकिन क्या हुआ कि हम 10-10 म्यूजिक डायरेक्टर चेंज हो गए, क्योंकि उनके पास वो लिरिक्स ही नहीं है, वो वर्ड ही नहीं है काम करने का, जब वो वर्ड ही नहीं होगा तो आप म्यूजिक कैसे बनाओगे,
एक अच्छा फुल एंटरटेनमेंट मूवी बनानी है फैमिली, जो आप सोचो कि मैं भी इस किरदार में हो सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति, चाहे 10 साल का लड़का हो, चाहे 18 साल का, चाहे 25 साल या 40 साल, जो भी कोई भी, या लेडीज हो, माताएं हो, बहनों, सोचे कि हाँ भैया ये मैं, हो सकता है मैं इस किरदार में हूँ, तभी आपकी मूवी चल सकती है। तो ये किरदार निभाया जा रहा है, इसमें बनाया जा रहा है, बड़ी भांत से इसको सजोया जा रहा है। और क्या वजह थी उसके पीछे की, राम और लक्ष्मण में क्या ऐसी बातें लगी कि यही राम लक्ष्मण है मेरे? क्योंकि राम का जो एक किरदार होता है एक तपस्या टाइप में होता है। आज भी हम 12-14 साल से इंडस्ट्री में हैं, हम भाइयों में कोई ऐसा ऐब नहीं है, या हमारे उसमें राम में जो किरदार है इनमें कोई ऐब नहीं है। जब हमने ऐब नहीं देखा वही वो किरदार निभा सकता है। ऐसा नहीं भाई हमने दारू पी लिया कुछ भी, अरे भाई ये फैशन है, फैशन नहीं, आप उसी किरदार में तभी आ पाओ। तो हमको एक पॉजिटिविटी मिली, हमने भाई को बोला, भाई मुझे बोले, हम चार बार बोले कि जो है किया जाए, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो थोड़ा सा होता है हर किसी को, भाई हिंदी बेल्ट में हमने काम किया है, एक आते हैं गुड मॉर्निंग ईमाई हमने किया था, उसको 7 अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनल नेशनल नवाजा गया है आप लोग के आशीर्वाद से, स्नेह से। तो उसके बाद क्या होगा ना कि अचानक लगता है कि भाई भोजपुरी में कैसे, तो भोजपुरी वर्ड ही मैं हटा देना चाहता हूँ मेरी मूवी में। भाभी माँ, आप सोचिए BHA BHI इंग्लिश में, और माँ जो है हिंदी में रख दिया गया है। लोगों ने यहाँ तक भी डराया है कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, पढ़ेंगे, अरे भैया सब चलेंगे, हमारे बिहार के लोग टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर्स बनते हैं, हमारे UP के लोग टॉप मोस्ट ऑफिसर्स बनते हैं, IAS ऑफिसर, नॉर्थ और जितने नॉर्थ के आते हैं शायद साउथ और इन सब चीज़ों को मिला लिया जाए, देखा जाए। हमारा इससे, इस मूवी से कहना नहीं कि नॉर्थ है साउथ है, एक कल्चर दिखाना है हमें कि कल्चर क्या है, जो हमारे कल्चर को छोड़ रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे कि यार कल्चर क्या है। क्या कोई ऐसा रियल स्टोरी है जो जिसे ये प्रेरणा देगा, क्या उसके आधारित है ये? देखिए रियल स्टोरी क्या हुआ कि हम लॉकडाउन में थे, बैठे हुए थे, सब चीज़ वहाँ से हमारा फर्स्ट चालू हुआ कि हम भोजपुरी में आए। हमारे संस्कार, देखिए आपका एक माँ शब्द बहुत ज़रूरी होता है, जब साथ में भाभी भी जुड़ जाए तो एक पॉजिटिवली एक होता है पॉजिटिव अपडेट निकल जाता है कि माँ है एक भाभी माँ, तो उसमें एक संस्कार और भी जुड़ जाता है। हमारा मेन चीज़ कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे जो रिलेशंस को गड़बड़ाया जा रहा है हमारे नॉर्थ में, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। कॉमर्शियल के चक्कर में हम संस्कार को दिखाना भूल रहे हैं जो अभी होता आ रहा है। आप अगर व्यूअरशिप पे जाते हो कि आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी चल गया, उसके व्यूज़ आने लगे, तो एक होता ना कि पूरा का पूरा ग्रुप उधर ही घूम गया कि अगर हम ये बना रहे हैं ये आ रहा है। तो इसके चक्कर में लोग फुहरता को क्या हुआ ना कि धीरे धीरे उनको और ऊपर लेके गए, और एक वक्त ऐसा आने लगा कि भोजपुरी वर्ड सुनते ही ऐसे लोगों के जहन में आता, अच्छा ये फुहरता होगा, ये वल्गरिटी होगी, ऐसा लोगों के जहन में है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। भोजपुरी लैंग्वेज और भोजपुरी रीजन के जो लोग, जो जिसको बोला जाता है कि बहुत मीठी भाषा है, और ये राजा भोज से संबंध रखने वाला ये एरिया है, तो वो चीज़ को हमने एक तो देखा जाए, तो अभी के फील्ड में एक रिस्क फैक्टर तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, और मैं कभी नहीं कर सकता कि ये रिस्क फैक्टर अभी का टाइम में, और इस तरीके की चीज़ों को जब हम प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि लोग अपने संस्कार को भूले नहीं होंगे, उनके रिलेशन उनके माइंड में है। एक भाभी का क्या रिलेशन होता है घर में, आप अगर किसी नॉर्थ या किसी के घरों से अगर आप आज भी पूछेंगे, तो माँ के बाद का दर्जा भाभी का ही है। आज भी घरों में भाभी को पूजा जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसके उलट अगर आप किसी भी भोजपुरी सॉन्ग को उठा लें तो ये टारगेटेड किया जाता है। वो मतलब ऐसा है ना कि आप अगर भाभी बट बोले ना, तो थोड़ा सा वल्गरिटी माइंड में ना घूम जाती है। वो इसलिए घूम रही है क्योंकि हम लोग ऐसे सॉन्ग सुनते आ रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप भी जानते होंगे यार भोजपुरी का मतलब है मसालार, और हम इस मिथ को हर एक के दिमाग से हटाना चाहते हैं। मेरी ये पूरी कोशिश है कि हमने जो अपना अस्तित्व खोया है संस्कार के मामले में, वो लोगों के जहन में आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दर्शक, एक व्यूअर्स और एक जो एक ग्रुप है ना, उनको ये चीज़ें अच्छी लगेगी। इस दौर में और इस तरीके का सब चैनल जैसा हमें डॉक्टर साहब निर्देश दे रहे हैं, वैसा ही काम कर रहे हैं प्रेजेंट में। बस मैं अपनी मेहनत करना चाह रहा हूँ, जो सोचा है मैं अपेक्षाओं पर खड़ा उतर जाऊँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ा टास्क है। जैसे इनके अलावा और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो हिंदी बेल्ट में अच्छे, उमेश वाजपेयी जी हैं,
जो उनको भी ये भी उस रोल में आ रहे हैं हमारे, वो सब ऐसे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस, इसका कोई टेंशन नहीं है। जो हमारे एक्टर हैं वो उस रोल में पर्याप्त है। मुझे कोई एक्टर उस तरह से नहीं चाहिए होता है, हमारे उस रोल में आना चाहिए। रानी जब आई तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ रानी करेक्टर में ही, उनका लुक टेस्ट हुआ, मॉक सूट हुआ, कि आम पब्लिक की तरह नहीं कि भाई हमने इनको साइन कर लिया, भैया ये हो गए ख़त्म करो अब सूट पे लेके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इसको टोटली, इस मूवी के आने के बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता ऊपर वाले की कृपा से, इस मूवी के बाद हर एक बॉलीवुड का स्टार भी बोलेगा कि हमारा एक प्रोजेक्ट फिल्म में भी चल रहा है, जैसे लोग साउथ के लिए बोलते हैं, हमारा इतना थॉट है कि एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पर, ये कोई नहीं बोले नहीं नहीं मैं भोजपुरी नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी, तो इस लेवल पे लेके जाएंगे इस मूवी को। अब आप आगे तो ऊपर वाला जाने कैसा क्या लोकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि किस कहाँ पे लोकेशन में सारी शूटिंग होगी? ये पूरी जो है शूटिंग हमारे यूपी में होगी, उत्तर प्रदेश में होगा, 5 से 6 लोकेशन का पूरा उसी में जी।